स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के नाम पर कई सुझाव और योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। यह विचार करना माननीय सदस्यों और निःसंदेह मुख्यमंत्रियों का काम है कि क्या उनसे केंद्र राज्य सहयोग सुदृढ़ होगा या वे विवाद की कोई गांठ डालेंगे या उनसे देश की एकता मजबूत होगी या विभाजक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। जो भी समस्याएं विद्यमान हैं या भविष्य में हो सकती हैं, उन्हें तर्क वितर्क या टकराव द्वारा नहीं बल्कि उनका संतोषजनक हल खोजने के लिए उन्हें संयुक्त प्रयास से ही सुलझाया जा सकता है। स्वाभाविक है कि कोई भी समाधान ऐसा नहीं है जो सभी पक्षों को पूर्ण संतोष दे सके, लेकिन हमारी कोशिश यह देखने की होनी चाहिए कि व्यापक हितों को किस चीज से संभव बनाया जा सकता है। राज्यों के बारे में जब कभी ऐसा कोई प्रश्न उठता है तो लोगों की भावनाएं सरलता से भड़काई जा सकती हैं, विशेष रूप से भाषा और धर्म के नाम पर या सीमा विवाद को लेकर अथवा पृथक राष्ट्र के चमत्कृत करने वाले नारे के साथ। इन सभी प्रश्नों का अधिकांशतः राजनैतिक पक्ष भी है, लेकिन उसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब वास्तव में किसी आर्थिक या अन्य शिकायत का कारण उपस्थित हो। और यहाँ जो अनेक प्रश्न उठाए गए हैं उनमें से अधिकांश मामलों में मुख्य बात है पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक अवस्था या विकास की। इस दिशा में हम प्रयास करते रहे हैं और जहां कहीं विकास के मामले में कोई उपेक्षा या देर हुई है, वहां स्थिति में सुधार के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है करते रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर तेलंगाना का संदर्भ आया है और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के क्रम में वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। यह एहसास पाया जाता है कि इस प्रकार की भागीदारी को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। हम विभिन्न लोगों के साथ विचार विनिमय करते रहे हैं। मैं सहमत हूँ कि उस क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले विवादों को तेजी से हल किया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों ने समय समय पर भड़क उठने वाली सांप्रदायिक दंगों के बारे में जो तीव्र भावना व्यक्त की उसे हम समझे हैं और हम स्वयं इसे गहराई से अनुभव करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के कार्य पर भी विचार करना था।
अध्यक्ष महोदय, जब कुछ वर्ष पूर्व परिषद की बैठक श्रीनगर में हुई तो उस पर उन सांप्रदायिक दंगों की याद मंडरा रही थी जो कुछ ही समय पहले हो चुके थे। इसलिए हमने परिषद के कार्यों के विभिन्न पक्षों की चर्चा की। हमारा प्रयास मुख्यतः संकीर्ण अर्थों में सांप्रदायिकता से, यानी सांप्रदायिक हिंसा से निपटने तक सीमित रहा। हम जानते हैं कि समाज में तनावों के कई कारण होते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक। इन्हें दूर करना होता है। हमें उनको कुरूपता और हिंसा की सीमा तक बढ़ने से रोकना होता है। अल्पसंख्यकों की भलाई की चिंता करते रहना हम सबका विशेष कर्तव्य होना चाहिए। यही कारण है कि हमने इसका उल्लेख अपने चुनाव घोषणा पत्र में तथा अन्य अवसरों पर किया और इन वचनबद्धताओं को कार्यान्वित करना होगा। इसको करने का एक तरीका यह है कि राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण धारा को व्यापकता प्रदान की जाए। इसके लिए सरकारी स्तर पर समुचित उपाय करने पर विचार किया जा रहा है और जो भी व्यवस्था की जाएगी उसका एक मुख्य काम अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं और हितों को देखना होगा। यद्यपि मैंने अल्पसंख्यक कहा, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, जब हमने परिषद का गठन किया था तो हमारा आशय भारतीय नागरिकों, हरिजनों आदि के अधिकारों के पूरे क्षेत्र की ओर ध्यान देने का था। हालांकि उन पर गौर करने के लिए पृथक संगठन बने हुए हैं। यह कहना सही नहीं है कि पिछले सारे वर्ष व्यर्थ चले गए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो किया ही गया है, लेकिन यह सही है कि और भी कुछ किया जा सकता था और मुझे आशा है कि अब इन कामों में तेजी लाई जाएगी। उदाहरण के लिए हम सेवाओं के पूरे प्रश्न पर गौर करते रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें सामने नहीं आ पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई उपेक्षा बरती जा रही है। उन पर गौर किया जा रहा है। उन पर राष्ट्रीय एकता परिषद ने विचार नहीं किया था, लेकिन गृह मंत्रालय कर रहा है। मैं सहमत हूँ कि और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हम यह करेंगे। इसका एक भाग उर्दू भाषा है। इस विषय में मैंने अपने विचार साफ तौर पर बता दिए हैं। इस प्रश्न पर मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया गया है। अब उन माताओं के संबंध में, अगर वे माताएं बच्चे को जन्म देती हैं तो वह लड़का हो या लड़की, वह विषपुत्र या विषकन्या है। इसलिए इस विषकन्या के लिए
चरक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप।